नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल समृद्धि टेक्निकल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे हीट ट्रीटमेंट में से स्टील की आंतरिक रचना के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि स्टील जो बनता है उसके अंदरूनी संरचना के आधार पर अलग अलग प्रकार के स्टील होते हैं, जैसे कठोर स्टील, नरम स्टील, इस प्रकार से कोई भंगुर स्टील हो सकता है। तो आमतौर पर यह 7 प्रकार के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो स्टील की अंदरूनी संरचना में पाई जाती है। ये बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ एक लाइन से ये याद हो सकता है। कैसे? यदि आप इसे फेसिपा अमाटूसा याद रखेंगे तो आप स्टील के स्ट्रक्चर के नाम को याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिख के रखा है फेसिपी अमाटूसा। दोस्तों, यही तो स्ट्रक्चर है। देखिए, ये जो फे है इसे फेराइट, स से सीमेंटाइट, पेरलाइट, ऑस्टेनाइट, मार्टनसाइट, प्रूस्टाइट और सर्वाइट, ये स्टील के स्ट्रक्चर है। आइए हम अब इसके डिटेल्स देखते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको एक नंबर का क्वेश्चन इसमें जरूर मिलेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, फेराइट ये जो स्टील होता है ये लोहा का शुद्ध रूप होता है। जैसे हम लोग रॉट आयरन को लोहा का शुद्ध रूप बोलते हैं, जिसमें 99.9% तक के लोहा तथा अदर जो अशुद्धियां है तथा कार्बन मिलाकर 0.1% तक होता है। तो हम फेराइट को लोहा का शुद्ध रूप मानते हैं, यहाँ नरम और डक्टाइल होता है। इसके अतिरिक्त सीमेंटाइट, दोस्तों यहाँ पर फेराइट तथा कार्बन के मिश्रण को ही सीमेंटाइट कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, ये फेराइट है, ये शुद्ध लोहा है, ठीक है। अब देखिए, फेराइट जो है उसके साथ जब आप कार्बन मिला देंगे तो सीमेंटाइट बन जाएगा। दोस्तों, यहाँ कठोर तथा भंगुर होता है, ये कठोर है मगर भंगुर है, जैसे कास्ट आयरन। कास्ट आयरन कैसे स्ट्रक्चर वाला स्टील होता है, तो उसके अंदर जो है वो क्रिस्टल टाइप का होता है, भंगुर होता है, वो कठोर तो होता है मगर वह भंगुर होता है। तो सीमेंटाइट जो स्टील है वो कास्ट आयरन का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं पेरलाइट। ध्यान दीजिएगा, जब लोहे का शुद्ध लोहा के साथ हमने कार्बन मिलाया था तो सीमेंटाइट बन गया था, उसी प्रकार से अब देखिए यहाँ पर इस फेराइट के साथ इसको मिला दिया, मतलब इन दोनों को जो मिश्रण बनाएंगे उससे बनेगा पेरलाइट। ये फेराइट प्लस सीमेंटाइट, ये दोनों को जब मिला दिया तो पेरलाइट बन गया है। यहाँ पर 88% जो है वो फेराइट है और 12% जो है वो सीमेंटाइट है। इस प्रकार से ये एक स्टील बनता है स्ट्रक्चर वाला, जिसका नाम है पेरलाइट। दोस्तों, यहाँ मजबूत होता है, जैसे माइल्ड स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, इस प्रकार के स्टील का ये एग्जाम्पल है। चलिए, समझ गए होंगे आप लोग, अगला देखते हैं, इसका नाम है ऑस्टेनाइट। जैसे यहाँ पर आपने देखा था आ, तो ये आ से आ गया ऑस्टेनाइट। दोस्तों, ऑस्टेनाइट समझना बहुत ही आसान है, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि स्टील की अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो 800 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 डिग्री होता है। तो इसे हम ऐसा समझेंगे, जब किसी 8% वाले कार्बन, कौन सा 0.8% वाले कार्बन, इसको क्या बोलते हैं, यूक्टेटाइड स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना डिग्री दोस्तों, 800 डिग्री। ध्यान से सुनिएगा, ये है बहुत आसान। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब स्टील को 800 डिग्री अर्थात अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में गर्म किया जाता है तो उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाता है, अर्थात स्वतंत्र हो जाता है, उसमें लोहा तथा कार्बन विभाजित हो जाता है, अलग हो जाता है। ऐसे अवस्था में वो जो स्टील है वह नॉन मैग्नेटिक हो जाता है, और इसी अवस्था को ऑस्टेनाइट बोलते हैं, अर्थात ये ऑस्टेनाइट कंडीशन होता है। समझ में आया दोस्तों? यदि ध्यान से समझिए आप, ऑस्टेनाइट समझ गए, फिर से मैं बता दूं, यदि स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म किया जाए और कुछ समय गर्म करने के बाद उसके अंदर के कार्बन तथा आयरन सब जो है वो अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंस हो जाता है और बनता है ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर। समझ में आया दोस्तों? चलिए, ये समझने के बाद इसको अब क्या करना है, उस ऑस्टेनाइट
ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को आप क्वेंचिंग कर दीजिए, किसमें जो भी आप क्वेंचिंग माध्यम लेना चाहे, पानी लेना चाहे, तेल लेना चाहे, हवा लेना चाहे। अब हम क्या करेंगे, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को यदि हम तुरंत क्वेंचिंग कर दे तो मार्टनसाइट बनेगा। तो हम समझ गए कि स्टील को गर्म करने के बाद यदि हम तुरंत ठंडा कर दें तो बन जाएगा मार्टनसाइट। और मार्टनसाइट जो होता है दोस्तों, सबसे कठोर और भंगुर मजबूत भी होता है। मतलब कि ये कौन सा प्रोसेस हुआ, तो ये हार्डनिंग का प्रोसेस हुआ। हार्डनिंग में हम क्या करते हैं, हार्डनिंग में हम स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान पर गर्म करते हैं और उसको क्वेंचिंग कर देते हैं तुरंत, तो हो जाता है हार्डनिंग। तो ये वही हुआ ना मार्टनसाइट। इसीलिए एग्जाम में पूछते हैं कि स्टील के आंतरिक संरचना के आधार पर सबसे मजबूत स्ट्रक्चर कौन सा होता है। याद रखिएगा ये मार्टनसाइट इसका सही आंसर है। यदि ये नहीं होता है ऐसे कंडीशन में आप सीमेंटाइट को दूसरे नंबर पर वरीयता दे सकते हैं। ओके चलिए, यह आप समझ गए, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मतलब हार्डनिंग का जो प्रोसेस है वो मार्टनसाइट स्टील बनता है उससे। राइट, आगे हम चलते हैं प्रूस्टाइट। तो दोस्तों प्रूस्टाइट जो है वो चिमड़ापन करने का अर्थात टफनेस करने का एक प्रोसेस है। अर्थात यदि हम इस हार्डनिंग किया हुआ स्टील को एक बार पुनः गर्म करके लोअर क्रिटिकल तापमान से कम तापमान पर गर्म करके और उसे यदि क्वेंचिंग कर दें तो जो स्टील या जो संरचना प्राप्त होगी उसे हम प्रूस्टाइट बोलते हैं। तो हम टेम्परिंग में क्या करते हैं, स्टील को पहले गर्म कर लेते हैं, कठोर कर लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार गर्म करते हैं 300 डिग्री के आसपास और फिर क्वेंचिंग कर देते हैं, तो हो जाता है प्रूस्टाइट स्ट्रक्चर। या यही प्रोसेस तो चिमड़ापन वाला अर्थात टफनेस का प्रोसेस है। दोस्तों अगला जो है सर्वाइड। सर्वाइड स्ट्रक्चर भी एक टैम्परिंग का मेथड है। ये भी टैम्पर किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, ये एक ही बार में प्रोसेस कर लिया जाता है। अर्थात जब स्टील को तैयार किया जाता है तब एक बार 700 डिग्री के नीचे से गर्म करके उसी प्रोसेस के साथ ही धीरे धीरे ठंडा कर देते हैं, जिससे उसके अंदर चिमड़ापन के गुण आ जाता है और इस प्रकार के स्ट्रक्चर वाले स्टील को सर्वाइट स्टील कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे 7 प्रकार के स्टील के संरचना के बारे में। मैंने बहुत आसानी से आपको बताया, याद रखने के लिए फेस ईपा आमा टू सा याद रखिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे नहीं और आपको एक नंबर इसमें जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से ढेरों वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहे समृद्ध टेक्निकल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।